चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। ।2019 का सातवें चरण का चुनाव बड़े ही धूमधाम तरीके से पूरा कर लिया गया, जिसके बाद एग्जिट पोल यानी कि सभी न्यूज चैनल अपने अपने रुझान टीवी पर पेश कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी भी खबर आ रही है जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। जी हाँ, 2019 के सबसे पॉपुलर सीट की बात करें तो अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश लाल यादव निरहुआ यानी कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और इसी बीच एग्जिट पोल में खबर आ रही है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को बढ़त नहीं मिल रही है। जी हाँ, कई न्यूज चैनल के अनुसार आजमगढ़ में सीधा सीधी दिनेश लाल यादव निरहुआ पूरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव को पूरी मेजोरिटी सीट मिल रही है। यानी कि अखिलेश यादव सीधा सीधी दिनेश लाल यादव निरहुआ को पटकनी देते हुए जीत रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में एग्जिट पोल सही है या तो 23 तारीख के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इससे दिनेश लाल यादव निरहुआ के फैंस काफी ज्यादा नाराज है और सभी लोग अपने अपने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव जीतेंगे। एग्जिट पोल चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में जिस तरीके से धुआंधार रैली किया है उससे यह वहां के जनता को विश्वास है कि वह आजमगढ़ की चुनाव जीतेंगे। अब देखना यही है कि क्या वाकई में एग्जिट पोल सही हो रही है या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थक, या तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगी। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी एग्जिट पोल के अनुसार पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें ला रही है और इसमें कुछ सीटें हारते हुई नजर आ रही है, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से पूरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ एग्जिट पोल की माने तो दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव को बड़ी कड़ी चुनौती देते हुए आजमगढ़ में नजर आने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत पाएंगे और जीत कर संसद जा पाएंगे, या तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगी। लेकिन इन दिनों आजमगढ़ की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है और सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं।